One thing which is very, very, very important in your life is an amazing focus. Ab zindagi mein focus hona itna important kyun hota hai? That is what I am going to tell you in this video. In this video, I am going to tell you those 5 amazing secrets using which you can be an amazing, awesome photographer who will be earning lakhs and lakhs of rupees every single month. तो मैं इस वीडियो को हिंदी इंग्लिश में करूंगा क्योंकि मैंने सोचा कि वो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा. ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बट एनीवेज एक चीज़ जो हमेशा होती है जब भी आप एक बहुत ही भयानक वाले अच्छे फोटो को देखते हैं. And if in case you think that all these things, the 5 secrets which I am going to share with you in this video are not working for you, then my friend, it will work, I am telling you. If in case you will watch the video till end, agar aap video ko end tak dekhenge, to ye aapko cheezein samajh mein aayegi aur aap ek amazing photographer ban jayenge aur aap kama payenge lakhon rupaye har mahina. Ye main aapko guarantee deta hoon kyunki main इसी चीज़ के दौर से गुजरा था और आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ इन्हीं 5 सीक्रेट्स के ऊपर काम करके. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहला पॉइंट बाद में यार, इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं करा है तो ये मेरा है हैंडल. जाओ जाके गाली लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जाके फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अगर अच्छे फोटोग्राफर बन भी जाओ तो भी मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. बाय द वे, पहला पॉइंट, सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी होती है वो ये कि आपको ख़रीदना होता है एक एक्सपेंसिव कैमरा. आप जाइए गूगल करिए सबसे एक्सपेंसिव कैमरा जो मार्केट में अवेलेबल है हाल फिलहाल में, और आप ख़रीद लो. हाल फिलहाल वाला ही एक्सपेंसिव चलेगा क्योंकि ज़्यादा महंगा तो आप उससे अगर मार्केट में नहीं है तो कैसे लोगे. उसके साथ में आपको चाहिए ऐसे 5 और एक्सपेंसिव लेंसेज. ये मत देखना प्राइम है, जूम है, टेलीफोटो है, ये सब चीज़ें भाड़ में जाए. आपको ख़रीदने हैं 5 अमेजिंग एक्सपेंसिव वाले लेंसेज. अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि माता पिता कब काम आएंगे. पापा, ए पापा, 10 लाख रुपए चाहिए. अरे फोटोग्राफर बनना है, कैमरा खरीदना है, लेंस खरीदना है, 10 लाख रुपए चाहिए, 12-13 लग सकते दे दो. अरे यार इजी मनी है यार, ले दे दूंगा ना 1 महीने के अंदर. अरे दो क्या मतलब है, पैसे नहीं है, घर बेच दो ना, 1 महीने के अंदर दे दूंगा, वापिस ले लेंगे घर. 1 महीने में दे दूंगा यार सारे पैसे. ए मम्मी जेवर बेच दो ना सारे. अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो आई एम होपिंग आप अभी तक एक रेंट के घर में शिफ्ट हो गए होंगे, अच्छे से हर चीज सेटल हो गई होगी. नहीं हुई होगी तो प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो. पर घर में आ गए, रेंटेड घर में आ गए, उसके बाद में आपको करना क्या है कि अपने एक्सपेंसिव कैमरास के डब्बे खोलिए, लेंसेस को निकालो, कैमरा को निकालो, मैनुअल को फेंक देना. ठंड का टाइम है, अगर आप चाहें तो आप हाथ भी ताप सकते हैं उन्हीं को जला के. पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैनुअल को बिल्कुल गलती करके भी आपको नहीं देखना है क्योंकि उसमें हमेशा ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो आपको फोटोग्राफर बनने से रोकती है. तो आपको अपने कैमरा और लेंस के बारे में कोई भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपने लेंस को, अपना जो लेंस होता है उसको कैमरा में लगाइए. लगाने के बाद में ऑटो मोड जिंदाबाद और आप शूट करने के लिए अब तैयार हैं. नंबर 3, एफर्ट्स जो होते हैं, एफर्ट्स नाम की जो चीज़ होती है, अगर आपने वो सुनी है तो मेरे हिसाब से आपका ज़िंदगी में भला कभी नहीं हो पाएगा. पर अगर एफर्ट्स जो चीज़ है वो होती है लूजर्स के लिए. ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान कभी तरक्की नहीं पा सकता. तो इसीलिए सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर ऑल्सो. तो आपको फोटोग्राफी सीखने के लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है. ऐसा एफर्ट वाला काम ये होता ही नहीं है. इनफैक्ट जो चीज़ें आपको करनी होती है, कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 4 पॉइंट की बात करें, अगर वेडिंग फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट है या कुछ भी है, क्लाइंट्स होंगे, आपके सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी कभी रेस्पेक्ट नहीं करनी है, इज्जत नहीं करनी है. क्योंकि एक चीज़ जो होती है, जितना आप रेस्पेक्ट करोगे उतना इंसान सांप के सर पे चढ़ेगा और उतना ही वो आपको ज़्यादा फ्री फोकड़ में काम लेने के लिए बोलेगा. तो आपको लाखों रुपए चार्ज करने है किसी काम के लिए और उसको भाव नहीं देना है. इनफैक्ट आप उसकी औकात याद दिलाइए उसको हर एक मोमेंट पर. मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें ज़रूर करता रहता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी. आप देखिए कि आप इन चीज़ों से कैसे सीख सकते हो और इनमें से कौन सी चीज़ आपको लगती है ज़्यादा रिलेटेबल रहेगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सामने वाला जो क्लाइंट है, जो सब्जेक्ट है, वो कैसा है. क्योंकि देखो, इससे बड़ी उनके लिए ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि आप उनका फोटो क्लिक कर रहे हो. यार आप तोप हो,
आपको हर एक चीज़ नहीं आती है फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा भयानक फ़ोटो लेते हो, वो छोड़ो भयानक फ़ोटो छोड़ो, आप कम से कम लाखों रुपया चार्ज करते हो, आपका फोकस पैसों के ऊपर है, फोटोग्राफी के ऊपर नहीं है, ऐसे लोग नहीं होते हैं ज़्यादा, तो आप अमेजिंग हो। अबे कितनी बदसूरत है बे तू, मोटे अपने आप को देख तो, मैं क्या तेरा कोई अच्छा फोटो नहीं ले सकता, फिर भी ठीक है खड़ा। तुझे पता है साला इसीलिए ना तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे छोड़ा है। और पांचवी चीज, आखिरी चीज, जो आपने फोटो ले लिए हैं, जैसे भी आपको बाकी चीजों के साथ में काम करके आपको अमेजिंग फोटोज लेने थे, वो जब आपने ले लिए हैं, अब फाइनल स्टेज होता है एडिटिंग का। एडिटिंग मेरे हिसाब से सिर्फ ऐसे लल्लू चप्पू वाला काम है, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए कई बार करना होता है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको 2 लाख रुपए दे रहा है पोर्ट्रेट के लिए, तो आप उसको और कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये भी करा। वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपके फोटोज़ बहुत मस्त भयानक आते हैं, पर अगर आप एडिटिंग यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ और आप चार चार लगा ही दो। अब एडिटिंग भी एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अगेन इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको सिर्फ करना ये है कोई भी आपका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो, फोटोशॉप डाउनलोड करना है तो देखो, अगर आप अच्छे हैं तो मेरे हिसाब से आप जानते हैं कि आप फ्री फोकट में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं पायरेटेड वर्जन। मैं आपको बोलूंगा मत खरीदो, क्लाइंट को बोल दो खरीद के दे देगा, पर फिर भी अगर मान लो आपके पास में फोटोशॉप लाइटरूम आ गया, कुछ भी डाउनलोड कर लो फ्री का, कुछ भी, आपको करना यह है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कहीं भी आपका हाथ जहां पे भी क्लिक होगा, मैं इतना आप पे भरोसा रखता हूं कि वो क्लिक करके आप अमेजिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही करना है, आपको सिर्फ फोटो पे कुछ क्लिक करके आपको एडिटिंग करना है और आपका हो गया एक फाइनल आउटकम तैयार, और ये बना देगा आपको एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जो चार्ज कर सकता है लाखों रुपए। तो अगर आप बनना चाहते हैं एक ऐसे फोटोग्राफर जो कुछ भी एफर्ट नहीं लगाता फिर भी उसके लिए हर चीज़ हलवा है और वो बहुत ही तरीके से अच्छे पैसे कमा सकता है, फोकस पैसों पे रखना है हमको स्ट्रेट, तो आप फोकस करते रहिए पैसे के ऊपर, पैसा कमा लेना, और अगर पैसा कमा लोगे तो जो रेंट का घर आप रह रहे हैं जिसमें, उसको आप छोड़ के अपने माँ बाप का जो घर है वो वापस खरीद लेना, और आप अपनी ज़िंदगी बना लेंगे एकदम सफल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि जो 5 बड़े रीजंस हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को अच्छा कर दिया, तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को भी भयानक तरीके से अच्छा बना देगी। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो व्यू है, जो मैटर नहीं करता है पर फिर भी आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खींचते रहे फ़ोटो खाना खाते हुए, तो यार फ़ोटो खींचने जाना, वैसे वीडियो करते करते बहुत फ़ोटो खींच चुका हूँ, पर हाँ।